नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं। इमरान को पाक रेंजर्स ने कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार कर लिया। इमरान की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई है जब हाल में ही उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी मैनेजर जनरल फैजल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इमरान ने आरोप लगाया था कि मेजर जनरल फैजल नसीर उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान के इस बयान के लिए पाकिस्तानी सेना ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर रेंजर्स द्वारा अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया है। यहां इमरान खान अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों में जमानत लेने के लिए पहुंचे थे। इमरान खान की पार्टी PTI ने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया। पार्टी का दावा है कि इमरान खान के वकील कोर्ट परिसर में बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। इमरान की गिरफ्तारी पर पूर्व सूचना मंत्री और PTI के उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत पर रेंजर्स का कब्जा है और वकीलों को यातना दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की कार को घेर लिया गया है। इमरान खान का गिरफ्तारी वारंट राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी कि NAB रावलपिंडी द्वारा 1 मई को जारी किया और आज इस्लामाबाद में रेंजर्स द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान को पाकिस्तानी रेंजर ने गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं।